हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो सॉरी फॉर द लेट वीडियो, आई वॉज बिजी डूइंग समथिंग, सो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस बारी वीडियो डालते थे। बट दिस वीडियो इज़ गॉन बी सुपर फन एंड दिस इज़ बेसिकली ए हॉल वीडियो। सो आई हैव बॉट सम शूज़ एंड हील्स फ्रॉम मिंत्रा जो मैंने अभी रिसेंट में ही खरीदे थे। सो मैं उनका एक बेसिकली आपको हॉल दिखाऊंगी एंड प्लस दिस वीडियो विल हेल्प यू दैट हाउ यू कैन बाय शूज़ एंड हील्स जो कि यू नो आप डिफरेंट आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हो। ओके, सो सारे हील्स का जो नाम है प्लस उनका प्राइसेस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी प्लस उनकी वीडियो की वो पहन के किस तरह से लगेंगे। सो यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ हाउ यू नो कैसे आप उसको खरीद सकते हो या आपको वो अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी इन रियल पिक। ओके, सो द फर्स्ट पेयर ऑफ हील इज़ दिस द वाइट हील्स जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये वाइट हील्स आपने मेरी काफ़ी पहले वीडियोस में भी देखी होंगी, लाइक मेरी प्रीवियस वीडियो जो है कुर्ती वाली, उसमें मैंने इस वाली हील का यूज़ किया है। सो यू कैन सी कि किसी भी न्यूट्रल आउटफिट के साथ या फिर किसी ब्लैकिश आउटफिट के साथ ये वाइट पेयर ऑफ हील्स बहुत ही अच्छी तरीके से पेयर कर सकते हैं आप। प्लस इफ़ यू यू नो अगर आपने कुछ ऊपर भी ब्लैक डाला हुआ है, यू नो अगर आपने यहाँ पे वाइट डाला हुआ है नीचे जीन्स में या फिर व्हाटएवर योर ट्राउजर्स आर ब्लैक, सो ऑब्वियसली आपके फुटवेयर जो है वो आपके अपर बॉडी के साथ मैच होना चाहिए। सो यू कैन पेयर दैट हील विद दिस काइंड ऑफ आउटफिट। ओके, सो सेकेंड पेयर ऑफ हील इज़ द न्यूड म्यूज जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये भी मैंने मिंत्रा से ही लिए थे। सो म्यूज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे, पहले भी थे अब भी हैं। सो इसलिए ये वाला पेयर मैंने लिया था एंड इसका कलर बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है। ये किसी भी पेयर आउटफिट के साथ आप इसको पेयर कर सकते हो। प्लस आप इसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, लाइक आप इसको कुर्ती के नीचे यूज़ कर सकते हो, इंडो वेस्टर्न के साथ पेयर कर सकते हो, वेस्टर्न आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हो। सो इट हैज़ मल्टीपल यूजेज इन इट। ओके, सो द थर्ड पेयर ऑफ हील इज़ दिस न्यूड कलर ऑफ हील। दिस इज़ फ्रॉम आई गेस ये किसकी है, मस्ट एंड हार्बर की है शायद ये, बट हाँ मस्ट एंड हार्बर की ही है। इसका ओरिजिनल प्राइस अगर आप देखो तो वो 2600 है, बट अगर आप एंड ऑफ रीजन सेल में या फिर कुछ भी अगर मिंत्रा पे सेल चल रही है तो आप काफ़ी अच्छी डील ग्रैब कर सकते हो। ये हील जो है न्यूड कलर में है, इसका आगे का डिज़ाइन बहुत प्यारा है, ये आपके पैरों को बहुत ही ज़्यादा लुक देता है, ना थोड़ी डिज़ाइनर वाइब देता है। सो इसका बेस्ट थिंग ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका मटेरियल सॉफ्ट है, हील भी इतनी ज़्यादा नहीं है। प्लस जो इसकी हील है वो थोड़ी सी ब्लॉकिश टाइप में भी है, जिससे जिन लोगों को हील पहनने में प्रॉब्लम होती है वो भी इसको पेयर कर सकते हैं साथ में। ओके, सो ये तो थी हील्स की बात। हील्स के बाद आई कैन शो यू द फ्लैट्स। मेरे पास बहुत सारे पेयर्स हैं हील्स के, शूज़ के, फ्लैट्स के, बट इस वीडियो में मैं आपको लिमिटेड चीज़ दिखा रही हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। सो अनदर पेयर इज़ द ब्राउन फ्लैट्स। सो दीज आर द ब्राउन फ्लैट्स विद बिग बो, इसके ऊपर बहुत बड़ा बो बना हुआ है। ये ब्रांड था स्ट्रीट स्टाइल स्टोर जो कि मिंत्रा पे अवेलेबल है और इसकी अलग वेबसाइट भी है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। सो दीज आर द फ्लैट्स जो आप अपने किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हो, इंडो वेस्टर्न वेस्टर्न कुर्ती के नीचे भी डाल सकते हो। सो एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कलर, दैट कलर इज़ वेरी न्यूट्रल, वेरी यू नो वाइब्रेंट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, एलिगेंट सा कलर है, डार्क ब्राउनिश कलर है इसका। सो हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शूज़। सो शूज़ आर माई फेवरेट थिंग्स। तो मुझे बहुत सारे पेयर लेने की आदत है जिसमें आपको हर कलर के शूज़ मिल जाएंगे, न्यूट्रल मिल जाएंगे, ब्लैक, वाइट, पॉप ऑफ कलर। सो द फर्स्ट पेयर ऑफ शूज़ इज़ दीज लाइट पिंकिश मिड रेंज हील्स। तो इन शूज़ की बात इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये शूज़ थोड़े से उठे हुए हैं बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, यू कैन सी इसमें थ्री कलर्स अवेलेबल हैं, लाइक एक ही शूज़ के अंदर आपको तीन कलर दिए हुए हैं, लाइट पिंक, डार्क पर्पल एंड प्लस वाइट। सो इट विल लुक अमेजिंग, यू कैन पेयर इट विद योर स्किनी जेगिंग्स और मे बी सम ट्राउजर्स एज वेल। सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ शूज़ इज़ द मिंट ग्रीन शूज़। सो ये शूज़ भी मैंने सेल में से लिए थे, उनका ओरिजिनल प्राइस है 1700 और मे बी 1800, जो कि मुझे पड़े थे 1000 में और या फिर 1100 में मुझे पड़ गए थे। सो ये शूज़ इसलिए मैंने लिए थे बिकॉज आपके पास ब्लैक शूज़ होगा, वाइट स्नीकर्स होंगे, लेकिन आपको कभी कभार एक पॉप ऑफ कलर भी चाहिए होता है, लाइक अगर आपका आउटफिट सिंपल है सो यू वॉन्ट समथिंग इन योर यू नो लेग्स कि आप कुछ अच्छा
दिखे ताकि आपका पूरा आउटफिट कंप्लीट हो जाए और वो ब्राइटन हो. तो इसलिए ये पेयर ऑफ शूज़ आप यूज़ कर सकते हो. प्लस इफ़ यू आर ए स्टाइलर ब्लॉगर तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास हर कलर के शूज़ होने चाहिए. आप मिंट क्रीम भी ले सकते हो प्लस लाइट ब्लू, दैट विल ऑल्सो लुक अमेजिंग. एंड वन मोर थिंग, आपके पास हमेशा एक वाइट पेयर ऑफ स्नीकर्स और एक ब्लैक पेयर ऑफ स्नीकर्स हमेशा होना चाहिए जो कि आप किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हैं. सो होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो. दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव दिस वीडियो ए बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.